प्रथम दृष्टया जो है पुलिस का दोष है, क्योंकि यहाँ पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं घर के अंदर थी, तो इनको बिना जो है महिलाओं के वहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए था, और प्रवेश करते तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, उनको धक्का मारने की क्या जरूरत थी। इसकी तहरीर मिल गई है, इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, और सब मिला करके जो है थाना प्रभारी के कार्यप्रणाली पर काफी आक्रोश है, और इसी के मैं तहकीकात करने यहाँ आया था। अब मैं यहाँ से चल करके इन लोगों को जो है इनके जितने भी दोष हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करूंगा। अच्छा कि सर ये जो दबिश थी ये लिखा पढ़ी में थी? अभी तो मैं अभी चल के थाने पे देखूंगा कि लिखा पढ़ी करके आए हैं या कैसे आए हैं, इनको कोई दरखास्त मिली या इन्होंने कोई मुकदमा लिखा या रवानगी करके आए। उनका कहना है कि हमारे एक दरोगा 3 सिपाही गए, जबकि यहाँ ये चाचा बता रहे हैं कि करीब 10-12 लोग थे। नहीं, आवाम जानना चाहती है सर क्या कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाएगी? कार्रवाई करने के लिए ही तो मैं आया हूँ, मैं तो बता ही दिया यार। जितने लोग आए थे पुलिसकर्मी सबके खिलाफ होगी या जो अभी तो 3 बता रहे हैं ना, मैं देखूंगा ना कि कितने लोग उसमें आए थे, अभी चल के पता कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता जी। इसमें 2-3 मोटरसाइकिल से भी 2-2 लोग आए थे, संख्या तो अच्छी खासी थी। ये मानते हैं कि दोषी पुलिस थी? 100% पुलिस दोषी है और कोई दोषी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी। वो जो है आपस में 151 से भी निपट सकती थी, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने हाथ लगा करके पुलिस को जो है उसका करके और जबरदस्ती एक जो है घटना की गई।